हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज। इससे पहले इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेज को डिस्कस किया, आज हम इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज को डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक कैन बी डिवाइडेड इंट्रा एंड इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज। इंटर डिसिप्लिन कंसर्न माइक्रो लिंग्विस्टिक, वेयर एज इंटर डिसिप्लिन कंसर्न मैक्रो लिंग्विस्टिक। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी इन्वॉल्व टू आर मोर अकेडमिक डिसिप्लिन विच आर कंसिडर द मोस्ट कॉमन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचिंग लिंग्विस्टिक ब्रांचेज ऑफ मैक्रो लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक स्टडी द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज रिलेशन टू विद सोसाइटी। साइको लिंग्विस्टिक स्टडी द लैंग्वेज इन रिलेशन टू साइकोलॉजी। अप्लाई लिंग्विस्टिक स्टडी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल रिकवरी ऑफ फॉलोइंग आर द ब्रांचेज ऑफ दिस डिसिप्लिन। हिस्टोरिकल सोशल लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक, एंथोलिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। इंटर डिसिप्लिनरी में ये सारी ब्रांचेज आती हैं और इसको हम मैक्रो लिंग्विस्टिक, बहुत बड़े पैमाने पर, मैक्रो मतलब छोटे पैमाने पर जो लिंग्विस्टिक को डील किया जाता है। इस सबसे पहले जो इसकी शाखा आती है सोशो लिंग्विस्टिक, मतलब ये स्टडी करती है लैंग्वेज और सोसाइटी को, मतलब हम सोसाइटी को देखते हैं, उसका लिंक कैम करते हैं सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज क्या है। जब इसका कनेक्शन सोसाइटी के साथ किया जाता है तो ये क्या शो करती है। उसके बाद इसके जब हम डिटेल में इसके ब्रांचेस पढ़ेंगे, सोशल लिंग्विस्टिक का मेन टॉपिक है पूरा, उसको जब डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साइको लिंग्विस्टिक जिसमें इंसान की साइकी और मेंटल एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है, मेंटल लेवल को, इसको साइको लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, साइकोलॉजी के लिहाज से हम मीनिंग को डिस्कस करते हैं, सेंटेंस को, डिस्कोर्स, मीनिंग और जो माइंड में जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या, अप्लाइड करना मतलब अप्लाई करना कोई चीज़, किसी चीज़ पे पुट करना, जिसमें प्रैक्टिकल इश्यूज अपनी लाइफ में, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज के तौर को हम जब इसको डिस्कस करते हैं उसको लेना। वो कहता है जी लिंग्विस्टिक इज़ अ चैलेंजिंग एंड स्टिमुलेटिंग डिसिप्लिन ऑफरिंग मैनी ओरिजिनल वर्क। अप्लाइड लिंग्विस्टिक डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट अटेम्प्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड ऑफर सॉल्यूशन टू लैंग्वेज रिलेटेड लाइफ ऑफ प्रॉब्लम, मतलब इसमें सारी प्रॉब्लम्स के हल के बारे में सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, न्यू रिसर्चर को न्यू आइडियाज़ मिलते हैं इसमें। इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें या डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब एक ब्रॉड फील्ड है अप्लाइड लिंग्विस्टिक, इसमें प्रैक्टिकली इशूज़ को डील किया जाता है। कंप्यूटेशनल कहता जी कंपोट करना, गिनना, जो डील करती है टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस अप्लाई टू एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पीच। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड कंसर्न विद द स्टैटिकल रूल्स बेस्ड मॉडलिंग नेचुरल लैंग्वेज फ्रॉम, मतलब स्टैटिक्स से रिलेटेड, गिनती से जो रिलेटेड जो लिंग्विस्टिक होती है कंप्यूटेशनल उसको कहते हैं। थ्योरेटिकल होती है, अप्लाइड कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, और जो कंप्यूटर का जो टोटली सिस्टम होता है वो टोटली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक पे ही बेस करता है। कंप्यूटर की ही फील्ड टोटली इसी पे बेस करती है, मतलब जितने भी कंप्यूटर में फार्मूलाज या जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो सारी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में ही आती है। जियोग्राफिकल जब हम पूरे एरिया को, जियोग्राफी को स्टडी करते हैं लैंग्वेज के लिहाज से, उसको जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसमें पॉलिटिकल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, कल्चर प्रोसेस हो सकता है, मतलब पूरे जियोग्राफी पूरे एरिया को जो लिंग्विस्टिक कवर करती है उसको जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही टॉपिक या स्पेसिफिक एरिया को डिस्कस करे, पॉलिटिकली लिहाज से या सोशली लिहाज से या कल्चर के लिहाज से, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो इसमें डील किए जाते हैं। तो इसमें आज हमने
जो सेकंड काइंड ब्रांचेस की डिस्कस की, इंटरडिसिप्लिनरी, इससे पहले इंट्रा डिसिप्लिनरी लैंग्वेज को ब्रांचेस को डिस्कस किया, आज हम इंटरडिसिप्लिनरी जिसको मैक्रो लिंग्विस्टिक कहते हैं और इंट्रा डिसिप्लिनरी को माइक्रो कहते हैं। तो ये डिफरेंट टू डिफरेंट ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक की।